हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेक्रेट सिविल। माय नेम इज शशि कुमार। आज जो डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली हमारा डिस्कशन ये है बीपीएससी एई मेंस 2018 के बारे में। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था कमेंट बॉक्स में कि सर बीपीएससी एई मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करा दो। कुछ का मैसेज अनअकैडमी पे आया है, कुछ का यूट्यूब पे आया है, कुछ का मैसेज भी आया है। तो बेसिकली आपका मेंस का जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। ये इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि बीपीएससी ने ऑफिशियली ये कहा है कि जो प्रीलिम्स के बाद जो मेंस का जो फाइनल रिजल्ट होगा, चाहे वो मेंस हो, इंटरव्यू हो, एट देन फाइनल रिजल्ट हो, विद इन 10 मंथ्स, 10 महीने के अंदर उनको रिजल्ट कराना है। इसके मतलब ये होता है कि अगर सितंबर में 15 सितंबर को अगर पेपर हुआ है तो नेक्स्ट 2019 जून जुलाई तक, मैक्सिमम जुलाई तक अगर कितना भी डिले करेंगे, चलो 10 के जगह 12 महीने भी कर लो, मतलब 10 जुलाई अगस्त तक मैक्सिमम आपको रिजल्ट क्लियर कर देंगे। तो मतलब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है मेंस के लिए और आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, तो इसके लिए आपको शेड्यूल के अकॉर्डिंग बेसिकली प्रॉपर तरीके से कैसे आपको प्रिपेयर करना, सब्जेक्ट बाय कौन से सब्जेक्ट पहले करने हैं और कैसे सब प्रिपरेशन करने हैं, वो सारे कुछ अनअकैडमी के द्वारा आपको शेड्यूल बना रखा है। जैसे कि 31st अक्टूबर से स्टार्ट किया गया है, 31st अक्टूबर को पहला लेक्चर है आपका स्ट्रक्चर का। टोटल 5 लेक्चर चलेंगे, 5 लाइव सेशन चलेगा स्ट्रक्चर का। उसके बाद आपका आरसीसी का है, आरसीसी के बाद सीटी का है, फिर स्टील का है, सॉयल का है, जियोटेक का है। कहने का मतलब ये है कि शेड्यूल के बेसिस पे अभी मैं आपको सारे डिटेल्स बताता हूँ कि कौन से लेक्चर आपको कैसे मिलेंगे या फिर कहां से आपको रजिस्टर करना हो, सारा कुछ बताता हूँ। तो ये अच्छे से शेड्यूल क्या हुआ कहां पे अनअकैडमी ने, ठीक है। तो इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ 28 लेसन्स है, 28 सेशन है, 1.5 आवर का टाइमिंग जो है आपका बहुत ही सही टाइमिंग है, 7:30 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक है। मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, ये 3 दिन आपको क्लासेस चलेंगे जो आपके ऑनलाइन होंगे। जैसे कि आपने अगर अभी जो स्पेशल क्लासेस देखे होंगे, स्पेशल क्लास का जो प्राइस था 1 रुपया, वही सेम तरीका होगा, बस डिफरेंस ये होगा टाइमिंग का अंतर होगा। और इसमें जो 28 क्लासेस शेड्यूल किया हुआ है, जो अनअकैडमी के द्वारा शेड्यूल किया हुआ, उसके प्राइस चेंज हो गया। प्राइस जो है पहले जब वो लॉन्च हुआ था, 2 दिन पहले जब लॉन्च हुआ था, तो वो 4600 का था, लेकिन ड्यू टू द हाई फील, मतलब बहुत जल्दी सीट फील हो रहे हैं, तो एक्चुअली आप सरचार्ज कर सकते हो, तो उसके कारण उनका प्राइस जो है बढ़ के 5100 हो चुका है। अगर आप लेट करोगे, जैसे कि नेक्स्ट जो प्राइस बढ़ेगा वो 16th of October को बढ़ेगा, लास्ट डेट जो है वो ज्वाइन करने का 31st अक्टूबर है, 16 अक्टूबर को फिर से प्राइस बढ़ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि बिफोर आप जब भी वीडियो देख रहे हो, अगर 16 तारीख से पहले देख रहे हो, तो 16 तारीख से पहले आप इन चीजों को रजिस्टर कर लो, क्योंकि 16 तारीख को फिर से प्राइस हाई होगा, चाहे वो 500 इंक्रीज हो या 1000 इंक्रीज हो, डिपेंड करता है वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे। जितना ज्यादा ऑब्वियसली बात है, जितना ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा तो प्राइसेस वो इंक्रीज करेंगे अनअकैडमी। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि आपको प्राइस ज्यादा क्यों पे करना है, क्योंकि जब 28 सेशन के लिए आप 5100 पे कर सकते हो, इवन कुछ लोगों ने 4600 में परचेज किया, तो क्यों आप 10,000 क्यों पे करोगे, हो सकता है 10,000 तक भी जा सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, पहली चीज है। दूसरी चीज है ये कि ये जो लेसन है, ये जो क्रैश कोर्स है, वो कहां मिलेगा आपको। क्रैश कोर्स के लिए आपको क्या करना है कि आपको अनअकैडमी पे जाना है, मेरे प्रोफाइल पे विजिट करना। जैसे आप मेरे प्रोफाइल पे विजिट करोगे तो वहां पे दिखेगा क्रैश कोर्स फॉर बीपीएससी एई मेंस। इसमें क्या होगा, आपको पेपर 1 का होगा, ठीक है। पेपर 2 का जो आपका प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट होगा, पेपर 1 अभी पेपर 1 करा रहा हूं, क्योंकि देखो पेपर 2 में मैक्सिमम चीजें थ्योरेटिकल है, पेपर 1 में न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल वाले चीजों को ज्यादा प्रैक्टिस करना होता है। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग, सिंपल सी बात है, क्योंकि उसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने होंगे, प्रैक्टिस के लिए कन्वेंशनल क्वेश्चन होंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, वो भी किसके बेसिस पे, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि किस टाइप क्वेश्चन है, वही सारे क्वेश्चन, जैसे कि आपको एकदम बिल्कुल कि इस टाइप के क्वेश्चन आने, कुछ ऐसे टॉपिक होते बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन आने ही आने, ठीक है। और कुछ ऐसे भी टॉपिक जिनको स्किप करना होता है कि नहीं ये निगलेक्ट करना, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है आपको टाइम बहुत ही कम होता है, 2 घंटे के पेपर में आपको कन्वेंशनल देना और 1 घंटे के पेपर में ऑब्जेक्टिव देना है, तो टाइम बिल्कुल कम होता है। तो इसके रिगार्डिंग क्या करना है कि आपको वैसे प्रिपेयर करना है कि कम से कम टाइम में जितना से ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सको, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन जो है, ये जो क्रैश कोर्स है ओनली फॉर पेपर 1 के लिए। पेपर 2 का जो प्रिपरेशन स्टार्ट होगा वो नवंबर के बाद, यानी कि दिसंबर से स्टार्ट होगा, दिसंबर जान फेब, तो 3 महीने में, क्योंकि एग्जाम जो है मे बी आपका फेब से लेके मार्च में, यानी कि जब होली है, होली के बाद होने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो फेब मार्च के आसपास, मतलब वही उसी के बीच होगा कि अनाउंस हो जाएगा डेटा आपका कि फेब में कितनी तारीख को आपको एग्जामिनेशन है। क्लियर हो गया चीजें।
इसके साथ इसका जो सारे लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जैसे कि कहां से रजिस्टर करना है, जैसे कि जिनको आइडिया नहीं लग रहा है तो आप तो या तो ऐप के थ्रू कर लो या वेबसाइट के थ्रू कर लो, दोनों में से कहीं पे रजिस्टर कर सकते हो। और इसका फायदा क्या होता है कि सारे के सारे लेक्चर जो रिकॉर्डेड होते हैं, जैसे मान लें कि अगर मान लें कभी कोई ऐसा सेशन हुआ जिस दिन आपके पास टाइम नहीं है, आप अवेलेबल नहीं हो, किसी चीज में बिजी हो, आपका शेड्यूल बिजी है, तो उस केस में क्या होगा, आपका लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा और आप उस लेक्चर को बाद में भी देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर अपने टाइम आपको क्या होगा कि डाउट्स जो भी आपको डाउट होंगे वो एट ए टाइम क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है कि वेट करना है नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नहीं वेट ही नहीं करना, सीधा सीधा एट ए टाइम आप डाउट पूछो कि सर ये चीजें कैसे हुआ, ये चीजें कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, तुरंत एट ए टाइम आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके साथ जो मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया करूंगा, कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए दिया करूंगा, तो वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, वैसे तो हो जाना चाहिए बट अगर नहीं हो रहा है इनकेस, तो फेसबुक पेज आपको ज्वाइन कर रखा होगा, तो फेसबुक पेज पे जाओ, फेसबुक पेज पे आप लिखो अपना कि सर मेरा आंसर शीट में ये आपका सॉल्यूशन आ रहा है, ये सही है या गलत है व्हाटएवर, तो उसी के अकॉर्डिंग बताओ, अगर गलत है तो किस चीज, तो मैं उस चीजों को बाद में फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस कर दूंगा। तो ये चीज आपको बेनिफिट पे, मतलब कहने का मतलब है कि ये जो अन अकेडमी के द्वारा जो बीपीएससी एई प्रीलिम्स के लिए जो बनाया गया, जो अभी मेंस के लिए जो प्रिपरेशन के लिए आपको स्ट्रेटेजी बनाया गया, तो इसमें जो पेपर वन के लिए बनाया गया वो बहुत ही अच्छे तरीके से बना हुआ। तो आपको कुछ नहीं करना है, अभी का जो प्राइस है वो 5100 हो चुका है, अब उस पहले वाला प्राइस जो था वो 4600 था, तो इस चीज का ध्यान रखना कि आप रजिस्टर जल्दी से जल्दी कर दो, अदरवाइज ये प्राइस इंक्रीज होते जाएंगे। आपको 31 अक्टूबर तक लास्ट रजिस्ट्रेशन का डेट है, जो 31 अक्टूबर का होगा सबसे मैक्सिमम प्राइस होगा, कुछ लोग 4600 में परचेज करेंगे, कुछ लोग 5100 में करेंगे, कुछ 55 में करेंगे, कुछ 6 मतलब 6000 में, कुछ 8000 में करेंगे, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप परचेज कर लो। बाकी अगर किसी भी तरीके का डाउट है रिगार्डिंग क्रैश कोर्स के परचेजिंग या फिर किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं इजीली, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं लास्ट में आपको पेज ऐड करा दूं कि कौन से कोर्सेज और भी अवेलेबल है, जैसे कि आप अदर भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जैसे कि आरपीएससी में ऑलरेडी मैंने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा रखा है एंड स्ट्रक्चर मैकेनिक्स पढ़ा रखा है, तो स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में बहुत सारे बेंडिंग मोमेंट्स, शियर फोर्स, स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया, इलास्टिक कांस्टेंट हो गया, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होगा, आईएलडी हो गया, ये सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर करा रखे हैं। तो बस आपको करना क्या है, वहां जाना आरपीएससी ए 2018 के नाम से, मैं अभी पेज दिखा दे रहा हूँ, उस पेज में लिखा हुआ आपको दिख जाएगा कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, उस कोर्स को जाके स्टडी कर लेना है, जो भी रिक्वायरमेंट हो आप अनअकैडमी पे या तो मैसेज कर लो या फिर किसी भी लेसन पे कमेंट करके पूछ लो कि सर ये लेसन कहाँ पे अवेलेबल है, अगर नहीं है तो आप अपलोड कर दो, तो मैं नेक्स्ट 1-2 मतलब 2-3 दिनों में आपके जब भी टाइम मिले तो वो मैं लेसन आपको अपलोड कर दिया करूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को साथ साथ दबा लें, और जितना से जितना ज्यादा ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें, जिससे क्या हो कि मैक्सिमम बीपीएससी ए स्टूडेंट को फायदा मिल सकता है, क्योंकि ये जो क्रैश कोर्स है स्पेशली फॉर बीपीएससी ए के लिए बनाया गया, 2018 में जो मेंस का पेपर होगा 2018 02 2017 और 04 2017, बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के लिए 02 और 04 के लिए, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो 03 है, क्लियर है सारी चीजें। थैंक यू।